जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम BTC DLED से संबंधित प्रथम सेमेस्टर को साइंस को कवर करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप इसे समझें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें। 2015 में BTC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन एक लघु टिप्पणी कीजिए। मतलब जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन पर एक टिप्पणी कीजिए। तो जल के माध्यम से इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन होता है, जल के माध्यम से बीजों का प्रकीर्णन होता है। इस प्रकार की प्रकीर्णन में बीजों की संख्या अधिक होती है, इनके बीज अत्यधिक चिकने जलरोधी होते हैं, ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों में बीजों के प्रकीर्णन कर जाते हैं। मतलब सीधी भाषा में आप समझें, जैसे कोई भी पौधा वगैरह है वो किसी नदी या उसके किनारे खड़ा हुआ है तो उसमें उसके बीज गिर जाते हैं, वो पानी के सहारे चले जाते हैं, कोई किनारे पे लग जाते हैं, किनारे पे पहुंचने से वो वहीं उपज जाते हैं। मतलब जो बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही ये क्या कहलाता है, ये बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। आप इस बात को सीधे से समझें, ठीक है। बीजों के प्रकीर्णन को समझाए इसकी प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों का प्रकीर्णन को समझते हैं हम पहले। बीजों का प्रकीर्णन यह है, सर्वविदित तथ्य सभी को ज्ञात है कि पर्यावरण की संरचना में पेड़ पौधों की मुख्य भूमिका होती है। पेड़ पौधे बीजों द्वारा ही बनते हैं, मतलब पेड़ पौधों किसके द्वारा, बीज के द्वारा ही बनते हैं, इसलिए बीजों का प्रकीर्णन अति आवश्यक है। बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्रकृति द्वारा कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। मतलब बीजों के प्रकीर्णन के प्रकृति के कई उपाय हैं। मतलब बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। हवा के माध्यम से भी प्रकीर्णन हो सकता है, जानवरों के माध्यम से भी, जल के माध्यम से भी, कई प्रकार से लोग प्रकीर्णन होता है। तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, जैसे फलों में जल की मात्रा कितनी होती है, जो फल होते हैं उनमें जल की मात्रा कितनी होती है, 90% होती है। जल की मात्रा कितनी होती है, 90% होती है। और बीजों के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं, तो वायु, पानी, उचित ताप। वायु भी होना आवश्यक है, पानी भी होना आवश्यक है बीजों के प्रकीर्णन के लिए, और उचित तापमान का भी होना आवश्यक है जो बीजों के अंकुरण के लिए। परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, BTC अभी 2015 में पूछा गया, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मक्का में 20, टमाटर में 24 और आलू के पौधे में 48 तथा ड्रोसीफिल में 8 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखेंगे, मक्का में 20, टमाटर में 24, आलू में 48 और ड्रोसीफिल में 8 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि को परिभाषित कीजिए। वर्नियर कैलिपर्स में पट्टी एक्स किसी वर्तन की गहराई नापने के लिए होती है, जिस पर ए और बी तथा सी और डी एक दूसरे के स्पर्श करते हैं। मतलब जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उस पर इस प्रकार का होता है, ये ए बी सी डी ऐसे बने हुए होते हैं। इस समय मुख्य स्केल और पनीर दोनों के शून्य चिन्ह एक ही सीध पर होते हैं, दोनों के किस पे होते हैं, एक ही सीध पर होते हैं, परंतु कभी कभी मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के शून्य बिल्कुल एक सीध में नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है। दोनों शून्यकों के इस अंतर को शून्यक त्रुटि कहते हैं। मतलब कभी कभी उनमें अंतर शून्य नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शून्यक त्रुटि कहते हैं। और कभी कभी आपसे चित्र भी पूछा जाता है, वर्नियर कैलिपर का चित्र बनाइए, तो आप इस चित्र को देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। वर्नियर जो कैलिपर है इसका ये पैमाना होता है एक प्रकार का, तो इसका चित्र पूछा जाता है, तो आप इसको देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप इसे बना सकें, ये पूछा भी गया है। और कुछ समझ लेते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। BTC 2015 में यही पूछा गया है, ऐसा ही पद्धति में 6 मूल इकाइयाँ दी गई हैं। कितनी इकाइयाँ, 6 मूल इकाइयाँ दी गई हैं। उपयुक्त 6 इकाइयों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहा जाता है। मतलब मूल राशियों के मूल मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं, मूल राशियों के मात्रक को ही हम मूल मात्रक, मूल राशि को ही, मूल राशि के मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है, समझ गया। अगला समझते हैं, और लंबाई का ऐसा ही मात्रक, जो लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है लंबाई का। 12 इंच बराबर कितना होता है, 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, इस बात का ध्यान रखें, 12 इंच का मतलब 1 फुट होता है। एक गज में कितने फुट होते हैं, एक गज में कितने फुट होते हैं, एक गज में 3 फुट अथवा 91.44 सेंटीमीटर होते हैं।
ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक गज में 3 फुट होते हैं और 91.44 सेंटीमीटर होता है। खेत का क्षेत्रफल प्राय किस मात्रक में मापते हैं? जो खेत का क्षेत्रफल है वो किस में मापा जाता है? तो खेत का प्राय डेसीमल, एकड़, हेक्टेयर व देसी भाषा में बीघा में नापते हैं। बीघा बिस्वा ये देसी भाषा में भी नापा जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर एकड़ और हेक्टेयर माना जाता है। एकड़ और हेक्टेयर किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई में सदैव कैसी होती है? किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है, मतलब किसी घन की बात कर रहा है। घन में लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। घन समझ सकते हो, घन वही होता है ना, ए क्यू बराबर ए क्यू, मतलब दोस्त ए जो लंबाई चौड़ाई मतलब ए ये 3 बार हो गया, यही मतलब है। तो ए 3 बार, तो ये तीनों क्या है, ये समान होती हैं। ए ये कौन सी लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई घन में कैसी होती है, समान होती है, लेकिन घनाव में अलग अलग होती है, लेकिन घन में समान होती है। आयतन किसे कहते हैं? अब आयतन की बात आई, आयतन क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं, मतलब कोई वस्तु जिस स्थान को घेरती है उस घेरे गए स्थान को हम आयतन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ हम रखते हैं उसको, वो जो जगह घेर रही है उसको हम आयतन कहेंगे। एम के एस पद्धति में मूल मात्रक क्या है? लंबाई, द्रव्यमान और समय है। एम के एस मतलब एम से मतलब क्या होता है, मास, एम से मतलब मीटर, मीटर हो गया। एम के एस में क्या क्या होते हैं मात्रक? लंबाई, द्रव्यमान और समय, एम के एस पद्धति में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, एक और इसको समझ लेते हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं? वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मतलब वो राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, 2015 में पूछा गया है, मूल राशियां कहलाती हैं, मतलब स्वतंत्र होती हैं स्वयं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दूरी है, समय है, मीटर है, सेकंड है, ये क्या है, मात्रक है। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।